हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की कुछ लेसन जो कि हमारी शंकर आईएएस एकेडमी की चलती है। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग को प्रीवियस लेसन देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग आराम से देख सकते हो। तो हमारी अभी यहाँ पे पार्ट सेकेंड चल रही है। पार्ट थर्ड हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट सेकेंड में एनिमल आपकी जो किंगडम है और एनिमल डाइवर्सिटी है उसे मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके बाद आपकी प्लांट डाइवर्सिटी आती है। तो प्लांट डाइवर्सिटी में कुछ ज़्यादा जानने के लिए है नहीं, ओके क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि कुछ टर्म्स होते हैं जिसके कि आपको मीनिंग जानना होता है इन्वायरमेंट में, तो वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको प्लांट डाइवर्सिटी के साथ साथ यहाँ मैराइन ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ा दूँ, ओके ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सारे में ज़्यादा कुछ है नहीं और मैं इनको एक ही में कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारी जो मेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब स्टार्ट होगा, जो कि है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें आपको सारी कुछ जानने को मिलेगी कि ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है, नेशनल इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है। उसके बाद कंजर्वेशन इफॉर्ट, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन मेनली प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यही सारी चीज़ों से आती है। तो ये सारे जो आपके टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं प्लांट डाइवर्सिटी और ये मैराइन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसमें कुछ टर्म है जिससे कि आपका अगर वो कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो इन्वायरमेंट में कुछ भी समझने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं जो कि है प्लांट डाइवर्सिटी। मेनली सबसे पहले यहाँ पे आपकी प्लांट क्लासिफिकेशंस बताई गई है कि पौधे कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आती है हर्ब। हर्ब मीन्स क्या होता है कि वो सारे पौधे जिसमें कि आप देखोगे कि ज़्यादा लंबे नहीं होते, बहुत ही शॉर्ट होते हैं, इट मीन्स कि इनकी जो हाइट है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो मेनली आपके ग्रीन कलर के ही होते हैं, टेंडर टाइप के होते हैं, ओके। तो ये हर्ब्स होते हैं जिसकी कि हाइट आपको 1 मीटर से भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप की आती है श्रब। श्रब वो प्लांट होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि इसकी बेसिकली जो हाइट होती है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये हर्ब्स से डिफरेंट होते हैं। श्रब में क्या है ना कि आपको यहाँ पे ये ट्री से भी डिफरेंट होते हैं और श्रब में आपको थोड़ी ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी जो कि हर्ब्स में नहीं होते हैं। उसके बाद आती है ट्री, जो कि आप जानते हो कि बड़े बड़े पौधे होते हैं, इसमें स्टेम होती है, अच्छे अच्छे ब्रांच होते हैं, तो ये होती है। उसके बाद आती है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स एक तरीके का ऑर्गेनिजम्स है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो जीते हैं। इट मीन्स कि जैसे कोई भी और ऑर्गेनिज्म से कोई और प्लांट है जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो पैरासाइट्स उनके ऊपर जो है उनके ऊपर आश्रित होते हैं, लेकिन जो नरिशमेंट होती है ना वो यहाँ पर पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे होते हैं उनसे वो लेते हैं, ओके। उसके बाद आती है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स आप लोग देखते होंगे कि जो भी प्लांट आप अगर आपका होस्ट प्लांट के ऊपर ये ग्रो होती है, होस्ट प्लांट कहने का मतलब है कि वो सारे पौधे जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई और पौधे ग्रो होते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं एपीफाइट्स, ओके। लेकिन नरिशमेंट जो है वो होस्ट प्लांट से नहीं लेते, जैसे पैरासाइट में क्या था कि वो नरिशमेंट जो है पूरी तरीके से होस्ट प्लांट से ही लेते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते, लेकिन यहाँ पे एपीफाइट में है कि वो नरिशमेंट अपना खुद का ख्याल रख लेते लेकिन भोजन के लिए वो दूसरे होस्ट प्लांट में आश्रित होते हैं, ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्लाइंबर्स की बात करते हैं। क्लाइंबर्स भी आप लोग देखे होंगे कि एक तरीके के पौधे ही होते, जैसे कि आपके छतों पे वो चढ़ जाते हैं, या फिर आप लोग गेट पे लगाते हो तो गेट पे वो पूरे गेट को छेप लेते हैं, या फिर दीवारों में भी आप देखोगे कि लंबी तरह सीढ़ीनुमा टाइप्स की वो जो है क्लाइंबर्स क्लाइंब करते हुए ऊपर तरफ जाते हैं। तो इस तरीके के पौधे होते हैं। अगर आप लोग जो है लौकी के पौधे देखे होंगे या फिर आप लोग बिटल गार्ड के पौधे देखे होंगे, तो ये सारे पौधे वैसे ही होते हैं, ओके। तो इतना कैटेगरी है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्लांट की इतनी सारी कैटेगरी है, ओके। यहाँ पर डू यू नो फैक्ट्स है जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैट्स जो है मैमल्स होते हैं। मैमल्स कहने का मतलब है कि आपके एग लेइंग नहीं होते हैं, बच्चे इनसे डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं और वो लोग जो है ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो उनको हम लोग मैमल कहते हैं। लेकिन ये एक बैट आपको पता चले कि बैट सिर्फ एक ऐसे मैमल है ना जो कि उड़ सकते हैं, ओके। चमगादड़ जिनको आप लोग देखे होंगे कि वो उड़ते भी हैं, तो चमगादड़ एक ऐसे मैमल है सिर्फ और सिर्फ जो कि उड़ते भी हैं, ओके। तो ये एक बहुत अच्छी मुझे डू यू नो फैक्ट्स लगी, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट जो कि प्लांट की है उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप लोगों को पता है कि प्लांट को ग्रो होने के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सनलाइट होनी चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही वाटर की और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी एक प्लांट जो है अपने पौधे बना मीन्स अपने फल फ्रूट्स बनाते हैं, ओके।
फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ते और इफ़ेक्ट ऑफ स्नो ऑन प्लांट, यानी कि स्नो का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो कुछ जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा दियोदर, फिर और स्प्रूस का। स्नो जो है एक तरीके का ब्लैंकेट रखती है, जैसे कि ये पौधे, तो पौधे के ऊपर अगर आपके स्नो है, जैसे आप लोग भी देखते होंगे हिमाचल साइड में पूरे स्नो वगैरह होते, तो उससे क्या होता है ना कि वो एक ब्लैंकेट जैसा काम करती है, जिसमें कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और सीडलिंग को प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हर एक पौधों को, और हर एक पौधे की जो टेम्परेचर की जो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सारे मैक्सिमम पौधों को टेम्परेचर की तो ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर नहीं, लेकिन एक मॉडरेट टेम्परेचर होती है जिसमें कि वो लोग अपनी फूड को बना सकें। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब ये आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, मींस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे इंडियन हंटर की बात किया जा रहा है कि इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं इंडिया में, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हंट करके अपना जो है पेट भरते हैं, तो उस तरीके के भी पौधे होते हैं, पर ऐसा पौधे का नाम आपको याद भी नहीं रहेगा। ओके, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होते हैं, पर्पसफुली बोले या फिर एक्सीडेंटली बोले, जो भी पीपल्स यहाँ पे नॉन नेटिव स्पीसीज होते हैं वो न्यू एरिया में आते हैं जहाँ पे स्पीसीज जो है ना बहुत ही कम हो, या फिर कोई नेचुरल प्रिडेटर्स नहीं हो कि वो अपने पॉपुलेशंस को वो रख सके। एलियंस वो स्पीसीज होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, जैसे आप लोग को याद होगा जादू है, तो वो दूसरे प्लानट के हैं, तो नेचुरल रेंज से वो बाहर आते हैं, और एलियन स्पीसीज जो है ना वो अपने नेटिव प्लांट और एनिमल्स के कारण बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होते हैं, यानी कि उनको डर होता है मे बी जो बाहर के, जैसे बाहर के कोई भी आपके स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज आ रही है, तो मे भी वो इस तरीके के टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, वेदर में वो यहाँ पे मीन्स नहीं सफ़र कर पा रही हो, और वो यहाँ पे जो है अडॉप्ट नहीं कर पाए सारी चीज़ों को। दूसरे जो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है दूसरी जगह पे रहने पे, तो इस तरीके से जैसे बाहर की कोई आपकी प्लांट एनिमल है जैसे दूसरे कंट्री की है, उसको हम लोग इंडिया में लाकर अगर उसको हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है वहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया के अगर प्लांट है कोई, तो उनको वहाँ का क्लाइमेट कुछ और मिलता था, वहाँ की सनलाइट कुछ और है, वहाँ की टेम्परेचर कुछ और है, और यहाँ पर लाकर अगर हम लोग उस तरीके के पौधे को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर उनको कुछ और चीज़ें मिलेगी, सनलाइट की मात्रा कुछ और मिलेगी, रेनफॉल कुछ और मिलेगी, तो सारा पैटर्न उनका जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की जो, लेकिन फिर भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं और रह लेते हैं, तो इस तरीके की स्पीसीज़ को हम लोग इन्वेसिव स्पीसीज़ कहते हैं, यानी कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, बाहर की स्पीसीज़ को लाकर हम लोग दूसरी जगह रह रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है। इसमें इफ़ेक्ट क्या होता है इन्वेजन का, तो सबसे पहला है कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होती है, यानी कि आप लोग दूसरे कंट्री का जहाँ से उठा के ला रहे हो, तो उससे स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी भी कम होती है, नेटिव स्पीसीज़ की जो है वो डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि बाहर के पौधों को हम लोग ज़्यादा यहाँ पे महत्व दे रहे हैं और अपने कंट्री के पौधों, यानी कि जो भी हमारे यहाँ की जो इंडिमिक है उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, और उसकी जो स्पीसीज़ है वो यहाँ पर कम होने लगती है, उनकी हैबिटेट लॉस भी होती है, साथ ही डिग्रेडेशन होता है मैराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की भी यहाँ पर आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ आपकी बातें हैं जो कि यहाँ पर आपको समझना कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से क्या क्या यहाँ पे इफेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ इन्वेसिव फौना है, कहने का मतलब है कि कुछ एनिमल्स है इंडिया में, तो एक न्यू इन्वेशंस आपको गॉल फॉर्मिंग इंसेक्ट्स देखने को मिलेगा यूकैल्पिथिन्स का, जो कि साउथ इंडिया में है, तो ये सारे एनिमल्स है, जैसे कि क्रेजी एंट है, उसके बाद आपकी जाइंट अफ्रीकन स्नेल है, माइना है, गोल्ड फिश है, पिजन है, डोंकी है, हाउस गेको है और टिलापिया है, तो ये सारी कुछ यहाँ पे आपको फौना देखने को मिलेंगे। कुछ जो यहाँ पे इन्वेजिव एलियन फ्लोरा अगर हम लोग देखें कि कुछ प्लांट जो कि बाहर के, तो नीडल बश है, ओके नीडल बश आपको साउथ अमेरिका के देखने को मिलेंगे, ब्लैक वेटल है जो कि अगेन ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की है, गोट वीड है जो कि अमेरिका की है, तो ये सारी कुछ प्लांट है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना नहीं है और होगा भी नहीं, तो ये बस आपको ध्यान रखना है। ओके, मीनिंग समझना है कि कुछ चीज़ें होती है जिसका मीनिंग आपको समझने की ज़रूरत है। अब कुछ जानते हो कि आप लोग मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि मेडिसिन के लिए बनाए जाते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हो कि ईस्टर्न पेनिनसुला इंडिया में इस साइड जो है आपकी, जिसमें कि आपकी यहाँ पे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तो इस वाले एरिया में आपको ये सारे पौधे देखने को मिलेंगे जिसको कि हम लोग मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। ये है बेडोमिस साइकेट, पेरिटा है या फिर कॉन्डेटा है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो ठीक है, नहीं सही कह रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद आप देखोगे कि ब्लू वैंडा भी है जो कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है, ये सब मेडिसिन में यूज़ होती है। पाई कहाँ जाती है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सारी चीज़ों में पाई जाती है जगहों पे,
फिर है आपका कुत और कुष्ठ, ये सारी है जो कि आपको देखने को मिला है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब में पाई जाती है। ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में यूज़ होता है और ये अच्छी खासी आपको मेडिसिनल प्लांट देखने को मिलेगी। सर्पंगंधा आप लोग सुने होंगे, ये भी आपका हिमालय रीजन में मिलता है, तो ये भी आपके मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। ओके, तो सारे पौधों का नाम आपको अगेन याद नहीं रखनी है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोग भूल ही जाओगे। ओके, अब यहाँ पे ट्री की कैरेक्टर है तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हमें ऐसे एग्जाम में नहीं बैठ रहे जिसमें कि हम लोग ट्री की कैरेक्टर पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। चलिए अब हम लोग मैराइन देख लेते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 14 भी लगे हाथ देख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊंगी। मैराइन ऑर्गेनिज्म में आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि प्लैंकेटॉन होती क्या है। बहुत बार आप लोग टकराए होंगे इस प्लैंकेटॉन वर्ड से। तो जो प्लैंकेटॉन है ये हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कि सरफेस वाटर यानी कि रिवर में, जो सरफेस वाटर में आप लोग देखते होंगे जो फ्लोट करती है कुछ ऑर्गेनिज्म होती है, या फिर लेक हो गया, ओशन हो गया, तो उसमें भी आप लोग को कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फ्लोट करते हुए देखने को मिले होंगे, उसको हम लोग प्लैंकेटॉन कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ओके, इसमें आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होते हैं जैसे कि एल्गी वगैरह होते हैं, और कुछ एनिमल भी होते हैं जिसके जैसे कि कसकटासियन हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। ओके, जिसको हम लोग प्रोटोजोआ को ही हम लोग जू प्लैंकटॉन भी कहते हैं। ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लैंकटॉन हो गए। अब आते हैं फाइटो प्लैंकटॉन, ये भी वर्ड आपको मिला होगा कहीं ना कहीं। तो फाइटो प्लैंकटॉन जो है हमें ग्रीक वर्ड से मिली है, फाइटो मीन्स ही प्लांट होता है। ओके, फाइटो मीन्स प्लांट हो गया और प्लैंकटॉन मीन्स आपका क्या हो गया कि मेड टू वैंडर और ड्रिफ्ट, यानी कि जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, उस तरीके के प्लांट को हम लोग जो है फाइटो प्लैंकटॉन कहते हैं। फाइटो प्लैंकटॉन एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि साल्टी में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ओके, कुछ जो फाइटो प्लैंकटॉन है वो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि प्रोटिस्ट्स होते हैं, मोस्ट जो है सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं। कुछ जो फाइटो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ मोस्ट सिंगल सेल प्लांट होते हैं, और इनमें से कुछ कॉमन काइंड आप देखोगे तो साइनो बैक्टीरिया है, सिलिका इनकेस्ड डाइटॉम्स है, तो ये सारी है। ग्रीन एल्गी भी है जो कि आपको फाइटो प्लैंकटॉन में देखने को मिलेंगे। फाइटो प्लैंकटॉन जो है वो मोर देन 60% ऑफ जो जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस करते हैं, जो भी सारे प्लांट से प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें लैंड प्लांट के जैसा, तो जितनी भी फाइटो प्लैंकटेंट्स हैं उसमें भी क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हो कि क्लोरोफिल में आपके ग्रीन कलर होने के कारण होते हैं, पिगमेंट होती है, जैसे लीव्स में, प्लांट लीव्स में आपके क्लोरोफिल होते, तभी वो सारे प्लांट लीव्स हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। तो फाइटो प्लैंकटॉन में भी क्लोरोफिल होती है जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है, वो फोटोसिंथेसिस को यूज़ करती है जिसमें कि वो केमिकल एनर्जी को टर्न कर पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। सारे जो फाइटोप्लैंकेटॉन है वो फोटोसिंथेसाइज होते हैं और कुछ जो है वो एडिशनल एनर्जी भी उनको दिया जाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, वो कंज्यूम करके वो खुद ही लेते हैं। तो ये जो माइक्रो एल्गी है ना ये आपका थ्रू आउट द लाइटेन रीजन यानी कि सारे सीज, ओशन, जहाँ पे भी पोलर रीजन है तो उसमें आपका प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग फाइटो प्लैंकेटॉन कहते हैं। ओके, तो इनके अगर टोटल बायोमास की बात करें तो वो बहुत टाइम आपका ग्रेटर है अगर हम लोग टोटल प्लांट देखें जितना भी लैंड में होते हैं, तो इतना आपको डीपली जाने का जरूरत नहीं है। बस फाइटो प्लैंकेटॉन एक्चुअली किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो चीज़ों को समझना है आपको जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल कर पाओ। क्या क्या यहाँ पर फैक्टर्स है जो कि हमारे फाइटो प्लैंकेटॉन बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है, ये भी आपको बेटर पता होना चाहिए। तो जैसे लाइट है, फाइटोप्लैंकेटॉन्स जो है काफ़ी लिमिटेड है, यानी कि जो ओशन के अपर लेयर में होते हैं ना बस वहीं पे आपको फाइटोप्लैंकेटॉन देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे उनको सफिशिएंट लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट अगर अच्छा खासा होता है, सनलाइट इट मीन्स, तो वो जो है खुद को फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो सफिशिएंट समझते हैं। फोटोसिंथेसिस रेट जो है ना वो वैरी करता है लाइट इंटेंसिटी में, क्योंकि आप भी ये जानते हैं। न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो मेजर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जो भी फाइटोप्लैंकेटॉन को ज़रूरत है उनके ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन होता है, वो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। डाइटॉम्स और सिलिको फ्लैगेलिट्स की बात करें तो इनको भी सिलिकेट्स की ज़रूरत होती है, वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में। वहीं अगर कुछ फाइटोप्लैंकेटॉन की बात करें तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कुछ एरिया में वो ग्रो भी होते हैं, तो ये एक दूसरी आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगी। तीसरी है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ज़रूरत होती है फाइटोप्लैंकेटॉन की, तभी वो यहाँ पे जो है अपना ग्रोथ ले पाते हैं। ओके, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सैलिनिटी की बात करें, सैलिनिटी मतलब क्या होता है कि जिस भी पानी में नमक का जो मिश्रण है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग सैलिनिटी कहते हैं। तो लाइट और टेम्परेचर के साथ साथ सैलिनिटी भी है जो कि काफ़ी प्राइमरी प्रोडक्शन है यहाँ पे फाइटोप्लैंकेटॉन के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेजिंग बाय जू प्लैंकेटॉन, तो ग्रेजिंग रेट जो जू प्लैंकेटॉन की है ये वन ऑफ द मेजर
फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप है ना फाइटोप्लैंकटन के उसके साइज को इन्फ्लुएंस करती है। ओके तो बस ये चीज़ समझना होगा आपको। उसके बाद आते हैं फूड वेव। तो आपको पता है कि फूड वेव किसको कहते हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे कि ग्रास है तो इसको ग्रास को खाने के लिए ग्रास ओपर है, ग्रास ओपर को खाने के लिए फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक है, स्नेक को खाने के लिए आप लोगों को पता है फिर ईगल वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये फूड वेव चलते रहता है। तो फाइटोप्लैंकटन जो है इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो ये फूड वेव में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक्वेटिक जो फूड वेव है ना उसकी ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है और उसकी फाउंडेशन भी है। सब कुछ ये खाती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होते हैं जैसे जू प्लैंकटॉन हो गए, इससे लेकर वेल्स तक ये सारी चीज़ों को ये जो है फाइटोप्लैंकटॉन खाती है। तो बहुत अच्छा एक फूड वेव को मेंटेन करने में ये हेल्पफुल है। ओके उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जू प्लैंकटॉन के बारे में आप समझते हैं। जू प्लैंकटॉन एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है, वो भी फूड वेव जो भी हमारे फूड चेन का है, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करने में, ऑर्गेनिक मैटर को प्राइमरी प्रोड्यूसर से सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि फिशेस वगैरह होती है, तो इसमें आपका जू प्लैंकटॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके तो ये बात रहेगी। उसके बाद सी ग्रासेस की बात करें, सी ग्रासेस मतलब आप समझ रहे हो कि ओशन वगैरह में भी ग्रासेस होते हैं जो कि मैराइन फ्लावरिंग प्लांट होती है, और वो एक ग्रास जैसा ही देखने को मिलता है। ये काफ़ी फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, इनमें स्ट्रैप लाइक इसका स्ट्रक्चर भी होता है, और ये शैलो कोस्टल वाटर में ग्रो होते हैं सैंडी और मडी बॉटम के साथ। ओके तो ये सारी चीज़ है सी। अगर हम लोग ग्रास मेडो की बात करें इंडिया में, तो ये आपका साउथ ईस्ट कोस्ट जो कि तमिलनाडु के है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप आइलैंड में लगून भी है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ओके तो सी ग्रास ये है। उसके बाद अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि सी ग्रास की यहाँ पे फंक्शन क्या होती है। टिपिकली क्या होता है कि ये जितने भी आप ओशन में देखोगे कि वेव आती है, तरंग आती है, करंट एनर्जी होती है, तो उसको रिड्यूस करती है, साथ ही जो सस्पेंडेड सेडिमेंट होते हैं ना वाटर से उसको फिल्टर करती है, फिर जो बॉटम आपका सेडिमेंट होता है उसको स्टेबलाइज करती है जिससे कि इरोजन कम हो पाता है। तो सी वीड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, मतलब कि आप ग्रास अगर देखो जैसे धरती पर भी आप लोग अर्थ में भी ग्रास देखते हो तो वो क्या करती है मिट्टी को पकड़ के रखती है। ग्रास हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या करती है इरोजन नहीं होने देता है। पानी हो गई या फिर आपकी कोई भी एजेंट है उसके द्वारा जो आपकी मिट्टी का जो इरोजन हो जाता है ना एक जगह से वो दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है, तो ये ग्रास और प्लांट जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है जिसके कारण इरोजन नहीं हो पाता है। तो यही सेम काम आपका सी ग्रास करती है, वो भी आपके पानी के अंदर। ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काफ़ी बहुत सारे आपके मैराइन इनवर्टिब्रेट्स और जो फिशेज़ है ना उनको हैबिटेट भी प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ पढ़ाई थी, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अब आपको इन दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है कि किस टाइप की स्पीसीज को हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं और किस टाइप की स्पीसीज को हम लोग इनवर्टिब्रेट कहते हैं, इसकी माइनर डिफरेंस आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देनी है। ओके तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आयुसीन में, तो आयुसीन में जो है हायर प्रायोरिटी यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से सी ग्रास को कंजर्व करना है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट रोल आप लोग देख चुके हैं। तो आउट ऑफ 58 स्पीसीज जो है वर्ल्ड में पाई जा रही है, तो 14 स्पीसीज जो सी ग्रास की है वो इंडिया से ही है, और ये कॉमनली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटर टाइडल और सब टाइडल रीजन में। ओके तो इसको बचाने की भी यहाँ पर काफ़ी कोशिश की जा रही है। उसके बाद आते हैं एक अनदर टर्म आप लोग सुने होंगे सी वीड्स, इससे भी आप लोग कई बार गुजरे होंगे। ओके तो सी वीड्स का मतलब क्या होता है, सी वीड्स आपका एक मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, ये भी एक एल्गी होता है जिसको कि आप लोग ग्रीन ग्रीन कलर की जो देखते हो ना, हर एक लैंग्वेज हर एक जगह एक अलग बात बोला जाता है, लेकिन एल्गी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। ओके तो यहाँ पे आपका कोई भी डिफरेंशिएशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा कि ट्रू टिश्यूज़ क्या क्या है, जैसे कि रूट स्टेम और लीव्स, इसमें ज़्यादा आपको जो है डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन इसमें भी लीफ लाइक एपेंगेडेस होते हैं, यानी कि इसमें भी लीफ होते हैं, हरे कलर के होते हैं एल्गी। ओके तो सी वीड्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही बड़े होते हैं, विजिबल मैराइन एलिमेंट प्लांट है, मीन्स आप देख सकते हो उसको, और ये आपके रॉक यानी कि आप लोग देखते हो कहीं भी ज़्यादा बारिश होती है या पानी कुछ दिन तक लगा रहता है तो वहाँ पे भी आप लोग देखते हो कि एल्गी प्रोड्यूस हो जाती है, इट मींस कि वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की सतह हो जाती है, और ये आपका रॉक पे भी होती है, कोरल्स पे भी होती है, दूसरे सबमर्स्ड स्ट्रेटा में भी होती है, या फिर आपके अर्थ में भी होती है। आराम से भी आप लोग देखे होगे वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी टाइप के हो जाते हैं, उसमें अगर आप लोग पैर रखोगे तो आप स्लीप कर सकते हो, तो इस तरीके की एल्गी होती है, वही आपका सी वीड्स है। ओके तो सी वीड्स उसमें अटैच होता है, यानी कि आपका किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अटैच हो जाता है, तो सी वीड्स जो ग्रो होता है
वो सैलो आपको कोस्टल वाटर एरिया में ही होता है, जहाँ पे भी पानी बहुत दिन तक जमे रहती है ना, तो वहाँ पे आपका सीवीड्स जनरेट हो जाता है। और सीवीड्स जो होता है ना, ये सी में ही होता है। हम लोग जो एल्गी देखते हैं वो अर्थ वगैरह में होता है, लेकिन सीवीड्स आपको सी वाले एरिया में, कोस्टल वाले एरिया में ही देखने को मिलेगा। बेसिकली आप देखोगे तो ये इनके पिगमेंटेशन के कलर पर भी डिपेंड करता है, और ब्रॉडली इनको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सीवीड्स आप देखोगे तो ब्लू ग्रीन कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी, ब्राउन और रेड, ये सारे कलर की भी होती है। अब यहाँ पे कुछ वो सीवीड्स की जो फंक्शन है वो देख लीजिए। ये जो है आपके मैराइन ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करती है। सेकंड है कि ये काफ़ी हैबिटाट है फिश ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए। आप लोग देखते हो कि एक्वेरियम में भी, जो आपका अगर घर में भी आप लोग एक्वेरियम रखते हो, तो उसमें क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ आपका सीवीड्स टाइप का रहता है, जितने भी स्टोन वगैरह होते हैं उसमें कुछ भी लगा रहता है, तो जो मछलियाँ आती हैं उसको भी खाने का कोशिश करती है। तो जितने भी मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कुछ जो अगर पत्थर के साथ जो कुछ भी लगे रहते हैं तो उसको वो खाने का कोशिश करते हैं। तो वो जो आपका जम जाता है ना, इसको हम लोग सीवीड्स कहते हैं, और ये फूड प्रोवाइड करते हैं मैराइन ऑर्गेनिजम्स को। अब इसकी यूजेस समझते हैं कि सीवीड्स की यूजेस क्या है। तो सीवीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन के फूड के लिए, ये एनिमल के फूड के लिए, और फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए। सीवीड्स जो है एक ड्रग जैसा भी यूज़ होता है, जैसे गोइटर ट्रीटमेंट होती है तो उसके लिए भी यूज़ होता है, स्टमक डिसऑर्डर हो गया तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि अगर अगर है और आयोडीन है, जो कि कमर्शियल वैल्यू के लिए होती है, तो ये भी आपका है। अगर बायोडिग्रेडेशन अगर हम लोग देखें, जो कि सीवीड्स की मिथेन की है, तो ये आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट गैसेज है, जो कि यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। कुछ सीवीड स्पीसीज़ के अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट देखें तो ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को भी शो करती है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा यूजेस भी है। ओके, अब हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। सीवीड्स की बात करें, अगर ये रोटिंग हो जाए तो ये पोटेंट सोर्सेज होती है हाइड्रोजन सल्फाइड का, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन तक अगर ये सीवीड्स रह जाए, इसको कोई खाए नहीं और वैसे ही रह जाए, ये थोड़े से सड़ जाए, तो वो क्या होता है कि इससे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होती है, जो कि हाईली टॉक्सिक गैस है। इससे क्या होगा कि उनके अगल बगल के मैराइन जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा और यहाँ पर टॉक्सिक सिटी भी बढ़ेगी, जिससे कारण जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन पे बैड इम्पैक्ट होगा। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो गाइज़, हमारी ये लेसन कंप्लीट हो गई, बहुत ही अच्छी। ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स में आपको सारी चीज़ों की मीनिंग मिल गई होगी, क्योंकि आप लोग हमेशा ये टकराते ही होंगे, जब भी आप इन्वायरमेंट पढ़ो या फिर आप लोग कुछ मैगजीन्स भी पढ़ो तो इन्वायरमेंट की कुछ बातें होती है, तो ये सारी वर्ड से आप टकराते हो। तो वर्ड की जो एक्चुअल मीनिंग होती है ना, वो आप लोग के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, एंड मेक श्योर कि ये लेसन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो नेक्स्ट लेसन प्लीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा। ओके, सो गाइज़, आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट करे सजेशन से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।